जॉन विक चैप्टर 4 अब सिनेमा घरों में रिलीज हो चुका है, जिसका एक डिटेल स्पॉइलर फ्री रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। और अगर तुम इस मूवी को अब तक नहीं देखे हो तो उस रिव्यू वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपना मजा खराब ना करते हुए पहले उस वीडियो को देख लो, ताकि इस मूवी का मजा सिर्फ स्टोरी सुन के तुम्हें समझना ना पड़े। क्योंकि जो ब्लू एंड रेड लाइट्स के साथ पूरे मूवी में आर्टिस्टिक टच दिया गया है और उसके साथ स्पीचलेस नॉन स्टॉप थ्रिलिंग एक्शन, वो जुबा से बयां नहीं की जा सकती। वो एक एक्सपीरियंस है जो एक्सपीरियंस मूवी देखने का नजरिया तुम्हारे लिए बदल देगा, ये गारंटी है। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। जॉन विक चैप्टर 4 ठीक वही से शुरू होता है जहाँ पे जॉन विक चैप्टर 3 खत्म हुआ था, जब विंस्टन को मजबूरी में जोनाथन को शूट करना पड़ा था, और फिर बाउडी किंग आके जॉन को अपने हाइड आउट में ले जाता है ताकि वो हाई टेबल से बदला ले पाए। और चैप्टर 4 के शुरू में हम देखते हैं जॉन को फिर से अपने कदमों पे खड़े होते हुए, और अपने पूरे होशो आवाज में आने के बाद जॉन सीधा जाता है उस एल्डर के पास जिसने उसके रिंग फिंगर के साथ उसकी बीवी की रिंग भी सैक्रिफाइस में ले लिया था। और जॉन जाके देखता है वो एल्डर अब बदल चुका है, फिर नए बंदे को ही मार के वो हाई टेबल के साथ अपना जंग छेड़ देता है। जॉन अपने बचे कुछ फ्रेंड्स के पास जाता तो है, पर जिसके पास भी वो हेल्प मांगने जाता है वहाँ पे उसे ढूंढते हुए कोई आके उनको निपटा देता था। और इस काम में हाई टेबल से अपॉइंट किया जाता है विंसेंट डी ग्रामो को, और इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता कि कितना कोलैटरल डैमेज हो रहा है जॉन विक का काम तमाम करने में। और विंसेंट पहले आके विंस्टन का होटल डेमोलिश करता है, बिकॉज विंस्टन एंड शैरन जॉन विक के सबसे करीबी आदमी थे, और विंस्टन को सबक सिखाने के लिए शैरन को भी मार देता है। फिर विंसेंट जॉन के करीबी और पुराने दोस्त केन को अपॉइंट करता है जॉन को ट्रैक करके मारने के लिए, और केन के साथ हाई टेबल्स के ट्रेंड असैसिन एंड द ट्रैकर भी एस बाउंटी हंटर जाता है जॉन को मारने। और ये सब पहुंचते हैं जापान के ओसाका कॉन्टिनेंटल होटल में, और वहाँ पे फाइट के दौरान पूरा होटल तबाह हो जाता है। और इस भागा दौड़ी में जॉन का जापानीज दोस्त शिमाजू भी केन के हाथों में मारा जाता है। और हाँ, पहले ही बता दूं, केन कोई बुरा आदमी नहीं है, उसकी भी मजबूरी है। विंसेंट केन को मनाने के लिए उसकी बेटी को किडनैप करके रखा है, और केन जो भी करता है सिर्फ अपनी और अपनी बेटी के लाइफ बचाने के लिए कर रहा है। और शिमाजू को मारने के बाद केन उसकी बेटी को छोड़ देता है ताकि उसकी बेटी केन से अपने बाप के मौत का बदला ले पाए। फिर जॉन जाता है विंस्टन के पास मदद मांगने, तो वो जॉन को एडवाइस देता है विंसेंट के साथ फेस टू फेस ड्यूल में, जिससे या तो जॉन को आजादी मिल जाएगी या फिर मुक्ति मौत के रूप में, बट इसके लिए उसे किसी फैमिली का पार्ट बनना पड़ेगा, जिसकी वजह से जॉन जाता है बर्लिन उसके होम टाउन में अपने सौतेली बहन से मिलने। लेकिन वहाँ पे सब उसे सूली पे चढ़ा देते हैं क्योंकि जॉन उन्हें छोड़ के गया था, और जॉन का वहाँ पे आना जैसे खतरे की घंटी। लेकिन जॉन अपने फैमिली में घुसने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर कातिया जॉन को बोलती है किला को मारने, क्योंकि किला इज द किलर ऑफ कातिया फादर। किला इज द किलर, लॉल क्या हुआ, अच्छा नहीं था जो है। फिर जॉन जब किला के पास पहुंचता है वहाँ पे पहले से ही ट्रैकर एंड केंड मौजूद थे जो मिस्टर जॉन विक को मारने आए थे। लेकिन वहाँ पे किला एक कार्ड गेम खिलाता है सबको, और जैसे तैसे खुद जीत भी जाता है, बट फिर जॉन किला पे अटैक कर देता है, और केन एंड ट्रैकर भी फिलहाल जॉन के साइड से लड़ते हैं। एक घमासान हैंड टू हैंड फाइट के बाद किला गिर के मर जाता है, और जॉन भी उसका एक गोल्डन दांत लेके अपने फैमिली के पास लौटता है। और ऐसे ही एक हाई टेबल के फैमिली का हिस्सा बनने के बाद जॉन अपने कोऑर्डिनेटर को चुनता है विंस्टन के रूप में, और विंस्टन के जरिए विंसेंट को फाइट में चैलेंज भेजता है, और दोनों ही पार्टी की सहमति से फाइट की टाइम, जगह और वेपन को चुना जाता है, और विंसेंट की तरफ से केन को ड्यूल के चैंपियन चुना जाता है। लेकिन फाइट का टाइम सनराइज में होने की वजह से विंसेंट जॉन को ड्यूल से पहले ही खत्म करने की कोशिश करता है, एक के बाद एक बाउंटी हंटर्स को भेज के, और रकम 40 मिलियन डॉलर्स करने के बाद भी जॉन सनराइज से पहले ही चर्च के पास पहुंच जाता है, बट एपिक फाइट सीन्स के बाद जिसको वर्ड से बयां नहीं किया जा सकता। और फिर दोनों चैंपियंस को गन देते हैं, और जब पहली गोली चलती है तो दोनों को ही छू के निकलती है, दूसरी गोली से भी ज्यादा हार्म नहीं होता और दोनों ही जिंदा रहते हैं, बट आखिरी गोली केन पहले चलाता है जिससे जॉन फाइनली नीचे गिरता है, और विंसेंट आता है जॉन को पूरी तरीके से एंड देने के लिए, बट वो भूल जाता है कि जॉन ने अपनी गोली चलाई नहीं है, और जॉन उस गोली से विंसेंट को खत्म करके अपनी केन की और केन की बेटी की आजादी खरीद लेता है। और जॉन का कोऑर्डिनेटर विंस्टन को भी अपना होटल मिल जाता है, बट जॉन बुरी तरीके से घायल होने की वजह से अपना आखिरी टाइम में अपनी बीवी को याद करते हुए गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसकी कब्र जिसमें लविंग हस्बैंड लिखा है, और उसकी बीवी की कब्र के बगल में ही है, बट मुझे नहीं लगता जॉन मर गया है, वो बस छुपा है क्योंकि कितना ही लड़ेगा एक बंदा, रिस्क तो चाहिए ना। और इसी के साथ मूवी एंड होता है, बट पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं जॉन का जापानीज फ्रेंड शिमाजू की बेटी अकीरा केन से बदला लेने आती है, और यही पे मूवी एंड होती है। और इसके बाद लायंस गेट जो कि जॉन विक का प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने जॉन विक का ही स्पिन ऑफ मूवी बैलेडीना को अनाउंस किया, जिसमें एना डी आर्मास मेन लीड में है, और ये स्टोरी जॉन विक 3 एंड 4 के बीच में ही सेटअप होगी, और जॉन विक का कैमियो भी इसमें रह सकता है। और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक दो महाकाल के नाम पे, एंड सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि पॉप कल्चर को लेके बकचोदिया चलती रहती है इस चैनल पे। एंड मी साइनिंग ऑफ, यू जस्ट वॉच शो डिफाइन।